हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लाए हैं एक चटपटा और मज़ेदार नाश्ता जो कि ब्रेड से बनता है। वैसे तो ब्रेड से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन आज हम जो आपको दिखाएंगे वो एकदम यूनिक रेसिपी है। इसे आप जब मन करें तब आप बना के खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 4 मीडियम साइज़ के आलू बॉयल करके ले लिए हैं। इसको हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए, आलू हमारे ग्रेट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे ब्रेड। ब्रेड को पानी में डिप करेंगे और इसको हथेली की मदद से इसका सारा पानी निकाल देंगे। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे हमने 8 ब्रेड को लिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे चावल का आटा। आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ नहीं है तो आप थोड़ा सा बेसन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी हमने शिमला मिर्च को चॉप करके ले लिया है, थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च यानी कि 2, यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला, 2 चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्च, नमक स्वादानुसार, थोड़े से हरे धनिया और थोड़ी सी हींग। यहाँ पे हम इन सब चीज़ों को ऐड करके मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसका हमें एक डो बनाना है, देखिए इस तरह से। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमने क्यूब चीज़ को ग्रेट कर लिया है। अब हम हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और इस तरह से एक रोल बनाएंगे और रोल को इस तरह से अंदर से उंगली की हेल्प से एक गड्ढा सा करेंगे और इसी में हम इसको ग्रेट किए हुए चीज़ को फिल करेंगे। देखिए इस तरह से हमको ये अच्छे से दबा के बंद करनी है ताकि हमारा रोल अच्छे से बंद हो जाए। अब यहाँ पे हमारा जो है नगेट्स बनके तैयार हो गया है। देखिए इसको हमने रेक्टेंगल शेप में बना के तैयार किया है। आप अपना मनपसंद कोई भी शेप दे सकते हैं, गोल या फिर आपको जैसे भी पसंद हो वो शेप दे सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे नगेट्स को तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने सारे नगेट्स बना के तैयार कर लिए हैं। इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, इसमें हम एक एक करके नगेट्स को फ्राई करेंगे। देखिए धीरे धीरे ही इसको डालना है, जितने आराम से आ सकें उतने ही हमको डालने हैं। एक साथ ज़्यादा ना डालें, नहीं तो तलते समय ये फट जाएंगे। अब इसको हम लो टू मीडियम आंच पे ही इसको हम सेकेंगे। देखिए नगेट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे और इसी तरह हम सेकेंड बैच को भी तल लेंगे। हमारा सेकेंड बैच भी बन के तैयार हो गया है। देखिए हमारे नगेट्स, आप आवाज़ सुन रहे होंगे कितनी क्रिस्पी है, और इसको हम तोड़ के भी दिखाएंगे। देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट है, आप यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैंने इसको हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। आप अपनी किसी भी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ इसको बना सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।